नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक आस्था का महापर्व है और महापर्व के मौके पर कई तस्वीरें हमारे पास सामने आ रही है और हर तस्वीर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो लगातार छठवर्तियों के बीच पूजन सामग्री, नारियल और सूप का भी वितरण किया जा रहा है। तो पटना के बाईपास पर स्थित है देवंती मेमोरियल हॉस्पिटल, उसकी ओर से भी छठवर्तियों के बीच पूजा का प्रसाद, माफ़ कीजिएगा, पूजन सामग्री वितरित की गई है। 1000 सूप और नारियल को भी वितरित किया गया है। डॉक्टर धनंजय और वार्ड संख्या 32 की पिंकी यादव ने संयुक्त रूप से इसको वितरित किया है और छठ व्रतियों के बीच सूप और नारियल का वितरण किया गया है। पूरी तस्वीर देख लीजिए, फिर आपको बताएंगे। इधर देखिए, बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया है और मुझे भी इस पूजा में, महान पर्व में भागीदार बनाया। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। ये हॉस्पिटल जो है बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, यहाँ आसपास के लोगों के लिए और बाईपास से सटे होने के कारण दूर दराज से भी लोग इस हॉस्पिटल में आते हैं। यहाँ हर तरह का इलाज होता है और इन्हें बहुत फ़ायदा होता है और ये समाज के लिए बहुत कार्य करते हैं। इसके लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। ये छठ व्रत के लिए किया गया है, जो कि बहुत से छठ व्रतियों के लिए ये सूप और फल का वितरण किए जा रहे हैं, जो कि ये यहाँ पे आकर और ले जाकर छठ व्रत अपना पूजा का समाप्त करेंगे। लगातार इस तरह की तस्वीरें हमारे पास सामने आ रही हैं। पूजन सामग्री छठव्रतियों के बीच वितरित की जा रही है, नारियल सूप बांटे जा रहे हैं और एक और तस्वीर हमारे पास आई जो हमने आपको दिखा दी। इस तरह इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।